So hello everybody. As you can see on my screen, this is an e-commerce platform of Maiden Food, which is looking so beautiful. And how amazingly the home screen has been designed, you can see the whole beauty of it. And the happiest part is we have developed this website. So if you want our services to build a website for you like this, then contact us. The mobile number has been given on the detail section. So आज के इस वीडियो में आप सबों को यही बताने वाला हूं कि किस तरह से आप भी अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को एडमिन पैनल का यूज करते हुए हैंडल कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, वेदर इट्स अ वेबसाइट, वेदर इट्स अ मोबाइल एप्लीकेशन, वेदर इट्स अ डिलीवरी एप्लीकेशन, वेदर इट्स एन एडमिन पैनल. सो आई विल बी टेलिंग द होल प्रोसेस ऑफ इट. सो बी विद मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो सो दैट यू कुड नो हाउ टू रन योर ओन बिजनेस, योर ओन वेबसाइट, योर ओन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ कि वो तमाम क्वालिटीज क्या क्या हैं मोबाइल एप्लीकेशन एंड वेबसाइट के, जो इस मोबाइल एप्लीकेशन को एंड वेबसाइट को खास बनाती है. तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि एक ऐसा वेबसाइट है जो मल्टीपर्पज बिजनेस के लिए यूज किया जाता है. और सबसे खास बात यह है कि ये वेबसाइट जो है सिंगल कोड बेस पे हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफर करता है. उसमें आप वेबसाइट लें, कस्टमर ऐप लें, डिलीवरी ऐप लें, एडमिन पैनल लें, जिस टाइप का भी आपको चाहिए एप्लीकेशन ये सिंगल कोड बेसिस पे आपको जो है प्रोवाइड करता है, जैसा कि स्क्रीनशॉट्स आप देख सकते हैं. उसके बाद दूसरी बात अगर हम करें तो डायनेमिक सेक्शंस विद फोर डिफरेंट स्टाइलिंग्स, मतलब जब भी आपका कस्टमर, आपका क्लाइंट प्रोडक्ट कोई सर्च करता है अपना पसंदीदा प्रोडक्ट, तो उसको चार सेक्शंस, डायनामिक सेक्शंस देखने को मिलते हैं, जहां पर न्यूली एडेड प्रोडक्ट्स उनको देखने को मिलेगा, प्रोडक्ट जो सेल पर है प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, टॉप रेटेड प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे, मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे, उसके बाद कस्टम प्रोडक्ट एंड मोर का भी ऑप्शन वहां पर नजर आएगा आपको. तो ये तमाम जो है डिफरेंट डायनामिक जो सेक्शंस हैं वो भी आपके क्लाइंट्स को, आपके कस्टमर को बखूबी नजर आएगा, जैसा कि आप यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट्स के तौर पर आप देख सकते हैं. उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है क्विकली आपका क्लाइंट, आपका कस्टमर कार्ट में कोई भी अपना पसंदीदा प्रोडक्ट ऐड कर सकता है, उसके बाद फेवरेट लिस्ट में भी ऐड कर सकता है. और अगर कोई क्लाइंट ऐसा है, कोई यूजर ऐसा है जिसको कोई प्रोडक्ट पसंद आता हो बट वो अभी परचेज करना नहीं चाहता है, वो लेटर ऑन परचेज करना चाहता है, तो वो उसका भी ऑप्शन वहां पर मौजूद है. उसके लिए भी वो जो है सेलेक्ट करके, सेव करके उस आइटम को रख सकता है फॉर परचेजिंग ऑन लेटर ऑन टाइम. ओके, उसके बाद अगर हम बात करें जो पासवर्ड रिसेट करने का जो ऑप्शन है वो भी बहुत इजी है, फायरबेस ओटीपी रजिस्ट्रेशन है एंड रिसेट करने का भी जो है, पासवर्ड रिसेट करने अगर भूल गया कोई कस्टमर आपका तो बहुत इजी है, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आने वाली है. उसके बाद स्मार्ट एंड एक्यूरेट एजेक्स सर्च ऑप्शंस एंड सर्च रिजल्ट्स, जिस तरह का बड़ी बड़ी टॉप ब्रांडेड कंपनीज के वेबसाइट में सर्च जो ऑप्शन होता है वो सबसे टॉप बार में होता है, टॉप में होता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है, जैसे कि आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं उसी टाइप का यहाँ पे सर्च बार आपको देखने को मिलता है. उसके बाद सर्च करने के बाद जो भी पेज आएगा, रिजल्ट का जो पेज आएगा, वो पेज भी कुछ इस तरह का, स्क्रीनशॉट में आपको देखने को मिल रहा है, वो पेज भी कुछ इस तरह का, इतना ही खूबसूरत, इतना ही लुक एंड फील उसका बेहतरीन होने वाला है. उसके बाद जब कंपनी एक बार आपको प्रोडक्ट, सॉरी वेबसाइट बना के दे दिया, उसके बाद आप चाहते हैं कि फ्रंट एंड में, मतलब फुटर में, बॉटम में या फिर जो है हेडर सेक्शन में कुछ ऐसा पार्ट है जो आप रिमूव करना चाहते हो या फिर ऐड करना चाहते हो, तो आप अपने हिसाब से जो है वहां पर ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, जहां जिसमें आपका लोगो आता है, फेविकोन्स आता है, सपोर्ट इन्फॉर्मेशन आता है, सोशल मीडिया आइकन्स आता है, डाउनलोड ऐप सेक्शन आता है, सेक्शन सर्विसेज एंड मोर. तो ये तमाम चीजें आप खुद से घर बैठे बैठे जो है 5 मिनट 10 मिनट के अंदर कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से. आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन को, आप अपनी वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हो, तो किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आने वाली है. फिल्टर का भी ऑप्शन आप रख सकते हो, जैसा चाहो उस तरह का फिल्टर का ऑप्शन रख सकते हो ताकि आपका जो कस्टमर होगा, आपका जो यूजर होगा, वो भी आपसे खुश रहे और बहुत बढ़िया तरीके से फिल्टर कर सके जो भी प्रोडक्ट उनको पसंद है. उसके बाद प्रोडक्ट से रिलेटेड जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, मीन्स वैल्यूज होते हैं, उसके भी ऑप्शन आप बहुत आसानी से ऐड कर सकते हो. उसके बाद आप अपने कस्टमर को जिस हिसाब से अपने प्रोडक्ट शो करवाना चाहते हो मोबाइल में, वेबसाइट में, उस हिसाब से फिर चाहे वो ग्रिड व्यू में शो करवाना चाहें आप या फिर लिस्ट व्यू में शो करवाना चाहें, वो आप सॉर्ट करके वहां पर उन चीजों को आप सिलेक्ट कर सकते हो. ये सब कस्टमाइजेशन का पार्ट है और कस्टमाइज आप घर बैठे बैठे 5 से 10 मिनट में आप कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया. उसके बाद कोई भी प्रोडक्ट जब आपका क्लाइंट जो है पसंद करता है तो उस प्रोडक्ट में सर्च करने के बाद ही स्लाइडर के साथ साथ नीचे जो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड डिटेल्स हैं
उसके प्राइजेस हैं, डिस्काउंट क्या है, डिलीवरी कहाँ पे शिपिंग होनी है, ये तमाम चीज़ें जो है, या फिर कूपन कोड का ऑप्शन है, तो वो तमाम चीज़ें वहाँ पर उनको देखने को मिलती हैं। उसके बाद सबसे खास बात जो मैं आप लोगों के सामने दोस्तों ये रखना चाहूँगा कि यहाँ पर आप प्रोडक्ट बिटवीन प्रोडक्ट्स आप कंपेयर कर सकते हैं, कंपैरिजन का भी ऑप्शन है, क्योंकि कभी भी हम लोग महंगी चीज़ खरीदते हैं, मीन्स आपके कस्टमर्स वगैरह जब महंगी चीज़ खरीदता है तो वहां पर उनको लगता है कि यार अगर मैं 20,000 का छोड़ के 25,000 का लेता हूँ तो वहां पर क्या ऐसी खास बात है कि 5,000 रुपये ज़्यादा लग रहा, तो वहां पर कंपेरिजन का भी ऑप्शन हमने रखा है, तो कंपेरिजन कर सकता है आपका कस्टमर, आपका क्लाइंट, ताकि जो प्रोडक्ट उसको पसंद है बहुत आसानी से वो फुल सेटिस्फैक्शन के साथ परचेज कर सके। उसके बाद रिव्यूज़ वगैरह, जैसे प्रोडक्ट कोई पसंद आता है कस्टमर को, रिव्यूज वगैरह, इमेजेस वगैरह, उसके बाद जो भी कस्टमर पहले उस उन प्रोडक्ट को खरीद चुका है उसका फीडबैक वगैरह, इमेजेस वगैरह सब कुछ देख सकता है। उसके बाद चेकआउट की बात करें, जो चेकआउट का भी जो प्रोसेस है वो बहुत सिंपल है। यहाँ पर आपको एड्रेसेस वगैरह ऐड करने हैं, शिपिंग एड्रेस वगैरह डालने हैं। उसके बाद एक बार जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो, ऑर्डर प्लेस करने के लिए आपका जो पेमेंट गेटवे होगा, पेमेंट गेटवे का भी ऑप्शंस कई सारे हमने रखे हैं। आप जिस हिसाब का चाहे, पेपाल का चाहे, रोजर पे का चाहे, पेस्टेक का चाहे, स्ट्राइप का चाहे, या पे ऑन डिलीवरी चाहे, सीओडी चाहे, जिस हिसाब का पेमेंट गेटवे आप चाहते हैं वो आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं और उस तरह का आपको पेमेंट गेटवे मिल जाएगा। उसके बाद माई अकाउंट सेक्शन की अगर बात करें तो आपका जो क्लाइंट होगा, कस्टमर होगा, वो जो है अपने हिसाब से एक बार साइन अप करने के बाद अपने प्रोफाइल को एडिट कर सकता है, प्रोफाइल को मैनेज कर सकता है, ऑर्डर्स देख सकता है, नोटिफिकेशन देख सकता है, फेवरेट देख सकता है, एड्रेसेस वगैरह देख सकता है। ये तो रही वेबसाइट्स की बात कि ये तमाम चीजें वेबसाइट्स में जो है, वेबसाइट में ये तमाम फीचर्स वेबसाइट में मिलता है जो हम इसी तरह का प्रोफेशनल जो है वेबसाइट बना के देते हैं। अब अगर मोबाइल एप्लीकेशन की बात करें तो मोबाइल एप्लीकेशन भी जो है उसका भी लुक एंड फील इतना जबरदस्त है, इतना खूबसूरत है, आप देख सकते हैं। आपका कस्टमर, कोई भी कस्टमर जब भी आपका मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करता है, उसके बाद ओपन करता है, तो इस तरह का इंटरफेस उसके मोबाइल में नजर आता है, जिसमें सबसे पहला रहता है सर्च आइटम, मीन्स दुनिया का कोई भी आइटम आप सर्च करें वहां पे आपको वो आइटम मिलने वाला है। उसके बाद ऑर्डर भी कर सकते हो बहुत इजीली। उसके बाद जो आपके न्यू कस्टमर्स होंगे उसको फ्री डिलीवरी भी दी जाती है। फ्री डिलीवरी देने से क्या होता है कि कस्टमर थोड़ा सा खुश रहता है और एक तरह का बॉन्ड क्रिएट होता है बिटवीन कस्टमर एंड द ओनर ऑफ द वेबसाइट। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है, ये एक स्ट्रेटजी है जो हर कंपनीज के जो ऑनर हैं वो फॉलो करते हैं। उसके बाद जो होम स्क्रीन है मोबाइल एप्लीकेशन को, वो कितना उसका लुक एंड फील आप देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे, कितना खूबसूरत लग रहा है, एकदम प्रोफेशनली बनाया गया, कोडिंग के बेसिस पे बनाया गया जो है होम स्क्रीन है, जैसा कि आप देख सकते हो एकदम खूबसूरत सा। उसके बाद क्योंकि होम स्क्रीन ऐसा सेक्शन है जो फर्स्ट इंप्रेशन देता है आपके क्लाइंट्स को, तो इस वजह से भी होम स्क्रीन को बढ़िया से डिजाइन करना जरूरी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो आपका जो क्लाइंट होगा, कस्टमर होगा, वो सॉर्ट कर सकता है प्रोडक्ट को। उसके बाद जो प्रोडक्ट सेक्शन है, कोई भी प्रोडक्ट जब आपका कस्टमर सर्च करता है, सर्च करने के बाद जो वहां पर सॉर्ट सॉर्ट करके रखेगा आपका कस्टमर, उसी हिसाब से प्रोडक्ट चाहे टॉप टॉप रेटेड प्रोडक्ट देखना चाहे या फिर वो जो है न्यूएस्ट प्रोडक्ट पहले देखना चाहे। उसके बाद अगर हम बात करें कैटेगरी लिस्टिंग की, तो कैटेगरी भी लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड पे जैसे ही प्रेस करते हो तो तमाम कैटेगरीज वहां पे नजर आती हैं, और कैटेगरीज के अंदर भी सब कैटेगरीज हैं ताकि किसी भी तरह की दिक्कत ना हो आपके क्लाइंट्स को, आपके यूजर्स को। कैटेगरीज के अंदर सब कैटेगरीज हैं और कैटेगरीज के बेसिस पे भी जो है आपका क्लाइंट जो है प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है। उसके बाद डिटेल्स एंड कंपेयर की बात करें, जो मैंने आपको बताया था, जो कि फीचर मोबाइल में भी है और मोबाइल एप्लीकेशन में भी, वेबसाइट में भी है, कि कोई भी प्रोडक्ट आपको खास करके जब कोई महंगा प्रोडक्ट खरीदना होता है तो इस तरह की बात आती है, आप प्रोडक्ट्स के बीच, दो प्रोडक्ट्स के दरमियान जो है आप क्या कर सकते हैं, कंपेरिजन कर सकते हैं, ताकि आपके ये डिसीजन लेना आसान हो कि वेदर दिस प्रोडक्ट इज गुड फॉर मी और दैट वन इज गुड फॉर मी। तो कस्टमर के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इसी वजह से हमने कंपैरिजन का भी ऑप्शन रखा है, जो कि इस मोबाइल एप्लीकेशन को एंड इस वेबसाइट को, मेड एंड फूड के वेबसाइट को काफी ज्यादा खूबसूरत बनाता है, ठीक है, काफी ज्यादा वैल्यूएबल बनाता है और कस्टमर फ्रेंडली बनाता है। उसके बाद वेरिएशंस ऑफ प्रोडक्ट की अगर बात करें, तो प्रोडक्ट कोई भी पसंद करता है तो साइज, उसके साइजेस क्या चाहिए कस्टमर अपने हिसाब से कर सकता है, और प्रोडक्ट जिस जिस कलर में अवेलेबल होगी उस कलर में वहां पे प्रोडक्ट उनको शो होने लगेगा, तो काफी वेरिएशंस प्रोडक्ट के भी वहां पे कस्टमर को देखने को मिलने वाले हैं। उसके बाद मल्टीपल एड्रेसेस की बात करें, तो मल्टीपल एड्रेसेस भी कस्टमर आपका जो है वहां पे पुट कर सकता है। उसके बाद मोबाइल में भी जो चेकआउट का ऑप्शन है वो भी बहुत इजी है, चेकआउट का ऑप्शन जिस तरह से वेबसाइट में उस तरह से यहाँ पर भी है। उसके बाद हम बात करते हैं पेमेंट मेथड की, तो पेमेंट मेथड भी मोबाइल में भी वही तमाम पेमेंट गेटवे यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके बाद इनवॉइस वगैरह भी, ऑर्डर करने के बाद जो प्रोडक्ट मंगवाता है उसके बाद इनवॉइस वगैरह भी बहुत ईजिली आपके कस्टमर जो है डाउनलोड कर सकता है।
उसके बाद डिलीवरी एप्लीकेशन की अगर बात करें, डिलीवरी एप्लीकेशन की अगर बात करें तो एक बार डिलीवरी एप्लीकेशन में साइन अप करने के बाद आप यहाँ पर पूरा, जैसा कि आप मेरे स्क्रीनशॉट में देख सकते हो, उसका ट्रैकिंग, कौन कौन सा प्रोडक्ट है जो रिटर्न हुआ है, कौन कौन सा प्रोडक्ट है जो शिपिंग हो चुका है, कौन कौन सा प्रोडक्ट है जो डिलीवरी हो चुका है जिन प्रोडक्ट्स की, वो तमाम चीज़ें आप जो है यहाँ पर बहुत ईजीली देख सकते हो। उसके बाद जो करंट बैलेंस वगैरह है, ये तमाम चीज़ें, बैलेंस वगैरह भी आप यहाँ पर बहुत ईजीली चेक कर सकते हो, जैसा कि मेरे स्क्रीन में आपको दिख रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं आपको सिंगल कोड बेस पे ये तमाम एप्लीकेशंस आपको मिलने वाले हैं। तो गाइज, ये तो एक ओवरव्यू था जो मैं आपको बताना जरूरी समझा। उसके बाद, ये तो रही ओवरव्यू की बात, उसके बाद अगर हम बात करें कि एडमिन पैनल को किस तरह से आप मैनेज कर सकते हो, एक बार जब वेबसाइट बन जाता है, वेबसाइट बनने के बाद एडमिन पैनल भी मैनेज करना पड़ता है। तो एडमिन पैनल को मैनेज करने के लिए सबसे पहले जब एडमिन पैनल पे आप साइन इन करते हो, साइन इन करने के बाद कुछ इस तरह का, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपको नजर आने वाला है। ठीक है, तो इस डैशबोर्ड में जैसे ही आपको ये नजर आएगा, इस डैशबोर्ड में तकरीबन ओवरऑल तमाम चीजें होंगी जो आप देख सकते हो। मतलब एक ही डैशबोर्ड में आप पूरा अपना वेबसाइट की एक्टिविटी है इसी डैशबोर्ड के थ्रू देख सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले सेक्शन की बात करें, सबसे पहले रॉ में जो ऑर्डर है, कितने ऑर्डर हो चुके हैं वो देखेंगे, न्यू साइनअप देखेंगे, डिलीवरी बॉयज देखेंगे, प्रोडक्ट्स कितने एडेड हैं वो देखेंगे। उसके बाद ग्राफ वाइज भी आप देख सकते हो अपने प्रोडक्ट्स, जो भी प्रोडक्ट्स आपके सेल पे हैं, डे वाइज भी कितने प्रोडक्ट का सेलिंग हुआ, वीक वाइज कितने प्रोडक्ट सेलिंग हुआ, मंथ वाइज कितना प्रोडक्ट का सेलिंग हुआ, वो तमाम चीज़ों का ग्राफ आपको यहाँ पे नजर आने वाला है। उसके बाद प्रोडक्ट्स का जो काउंट है वो भी यहाँ पर आपको ग्राफ वाइज नजर आने वाला है। मान के चलिए कोई प्रोडक्ट जो है लो इन काउंट है, मतलब आउट ऑफ स्टॉक होने वाला है, 5 से कम प्रोडक्ट्स उसकी जो है अवेलेबल है, तो वहां पर क्या होगा, ग्राफ वाइज यहाँ पर आपको दिखाई देगा दिस प्रोडक्ट इज बीइंग लो इन स्टॉक, तो यहाँ पर आपको वो तमाम चीजें दिख जाएंगी। उसके बाद थर्ड रॉ में जो है यहाँ पर प्रोडक्ट कितने सोल्ड आउट हो चुके हैं वो आपको दिखेंगे रेड कलर जो जिस सेक्शन में हो रखा है उसमें। उसके बाद यहाँ पर कितने प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो लो इन स्टॉक में हैं वो भी आपको दिख जाएंगे। उसके बाद फोर्थ रॉ की बात करें तो ऑर्डर आउटलाइंस देखेंगे, जहाँ पर आप कितने प्रोडक्ट्स आपके प्रोसेस में लगे हुए हैं, कितने प्रोडक्ट्स रिसीव हो चुके हैं, कितने प्रोडक्ट्स वेटिंग लिस्ट में है, और कितने प्रोडक्ट्स का शिपिंग हो चुका है, कितना डिलीवरी हो चुका है, कितना रिटर्न हुआ, कितना कैंसिल हुआ, ये तमाम चीज़ें आप यहाँ जो है यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आप प्रोडक्ट वाइज जो है यहाँ पे चीज़ों को फिल्टर आउट करके, इसके थ्रू फिल्टर आउट करके भी देख सकते हो कि कितने प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो अवेटिंग में है, जो प्रोसेस में है, जो क्या कहते हैं डिलीवरी हो चुका है, जो कैंसिल हो गया है। उसके बाद डेट एंड टाइम का जो है रेंज भी ऐड करके, फिल्टर करके आप यहाँ पर देख सकते हो उन तमाम प्रोडक्ट्स की सिचुएशन, उन तमाम प्रोडक्ट्स की एक्टिविटी, की वो तमाम प्रोडक्ट्स इन दिनों के बीच, मान के चले आप अगर यहाँ पर 1 महीना ऐड करते हैं, लास्ट 30 डेज, तो इन 30 डेज में कितने प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो सोल्ड आउट हो चुके हैं, कितने प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो आउट ऑफ स्टॉक चल रहे हैं। तो यहाँ पर आपको डेट एंड टाइम के बेसिस पे भी जो है प्रोडक्ट्स का काउंट, प्रोडक्ट का जो है क्या कहते हैं सेलिंग, यहाँ पे आपको सबसे नीचे वाले में आपको नजर आने वाला है। उसके बाद अगर हम ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर में जैसे ही हम इन करते हैं तो इसी तरह का जो है ऑर्डर आउटलाइन, जैसे कि मैंने आपको डैशबोर्ड में दिखाया, उसी टाइप का ऑर्डर आउटलाइन आपको यहाँ पे दिख जाएगा सबसे पहले रॉ में। उसके बाद आप अगेन सेलेक्ट डेट एंड टाइम के हिसाब से भी आप जो है प्रोडक्ट का काउंट, प्रोडक्ट का जो है सेलिंग यहाँ पर देख सकते हो, या फिर फिल्टर कर सकते हो कितने प्रोडक्ट्स रिसीव हो चुके हैं, कितने प्रोडक्ट्स शिपिंग हो चुके हैं, या फिर पिकअप किया जा चुका है कितने प्रोडक्ट्स का, तो यहाँ पर वो तमाम चीज़ें देख सकते हो। उसके बाद नीचे वाले जो सेक्शन ऑप्शन है वो है ऑर्डर ट्रैकिंग का, तो यहाँ पर ऑर्डर ट्रैकिंग पे आपको वो तमाम जो है ऑर्डर्स दिखेंगे जो ऑर्डर हो चुका है, प्लेस किया जा चुका है, और किस एजेंसी के थ्रू, किस कुरियर एजेंसी के थ्रू वो ऑर्डर प्लेस किया जा रहा है, मीन्स डिलीवर किया जा रहा है, वो तमाम ऑर्डर आईडी, ट्रैकिंग आईडी वगैरह, यूआरएल, डेट, एक्शंस वगैरह यहाँ पर आप देख सकते हो ऑर्डर आईडी के थ्रू आप, या फिर यहाँ पे जो है फिल्टर भी कर सकते हो, ऑर्डर आईडी के थ्रू देखना चाहते हो, कुरियर एजेंसी के थ्रू देखना चाहते हो, ट्रैकिंग आईडी के थ्रू देखना चाहते हो, फिल्टर आउट कर सकते हो, या फिर आप अगर चाहते हो एक्सेल शीट में या फिर टेक्स्ट की फॉर्म में ये जो ट्रैकिंग आईडी है, जितने भी ऑर्डर्स हैं ट्रैकिंग आईडी आईडी के लिस्ट पे, यहाँ पर आप एक्सेल शीट के फॉर्म में उसको डाउनलोड कर सकते हो। ये वाला जो ऑप्शन है ये रिफ्रेश का ऑप्शन है, रिफ्रेश कर सकते हो इससे। उसके बाद अगर हम बात करें सिस्टम नोटिफिकेशंस की, तो सिस्टम नोटिफिकेशंस में आपको देखने को मिलेंगे जितने भी प्रोडक्ट्स आपके ऑर्डर हो चुके हैं, प्लेस किए जा चुके हैं ऑर्डर्स, तो यहाँ पर वो नोटिफिकेशन के तौर पर, वो मैसेज के तौर पर आपको यहाँ पर दिखेगा। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जो टाइटल आईडी है, टाइटल ऑर्डर आईडी है,
वो भी टाइटल पे जो है न्यू ऑर्डर प्लेस आईडी जो है प्लेस्ड आईडी वो भी आपको सबसे पहले नजर आएगा। उसके बाद जो न्यू ऑर्डर रिसीव किया जा चुका है, फिर डिलीवरी हो चुकी है, वो उस चीज का भी यहाँ पे मैसेज आपको मिल जाएगा। उसके बाद टाइप आईडी, आप उस मैसेज को रेड किए हैं या फिर अनरेड है वो मैसेज, यहाँ पर आपको दिख जाएगा। उसको आप अगर डिलीट करना चाहो तो डिलीट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है अब सिस्टम नोटिफिकेशन में आप उन तमाम ऑर्डर्स की एक्टिविटी देख सकते हो, या फिर अगर आप उन मैसेज वाइज देखना चाहते हो कि जो मैसेज अभी तक आपने नहीं देखा है, तो यहाँ पर आप अनरीड पे प्रेस करके वो मैसेजेस आ जाएंगे जो अभी तक आप पढ़े नहीं हो, या फिर रीड पे अगर प्रेस करते हो तो जो वो मैसेज आएंगे जो ऑलरेडी आपने देख रखे हैं। उसके बाद कैटेगरी का ऑप्शन है, तो कैटेगरी पे जैसे ही हम प्रेस करते हैं यहाँ पर वो तमाम कैटेगरीज आपको यहाँ पर नजर आ जाते हैं। ठीक है, आप इन तमाम कैटेगरीज को अगर ट्री के फॉर्म में, मतलब ट्री के व्यू में देखना चाहते हैं, तो ट्री के व्यू में लेफ्ट हैंड साइड पे आपको ये दिख रहा है, इस फॉर्म में आपको नजर आएगा ट्री के व्यू में। और अगर लिस्ट व्यू में देखना चाहते हो तो लिस्ट व्यू में आपको कुछ इस तरह से आपका जो कैटेगरीज, जितने भी आपने कैटेगरीज एडिट रखे होंगे वेबसाइट में, वो तमाम कैटेगरी आपको यहाँ पे नजर आने वाला है। और अगर ऐड करना चाहें कैटेगरी, तो यहाँ पर प्रेस करके आप जो है अपना कैटेगरी भी इजीली ऐड कर सकते हो। तो मैं उतना अंदर नहीं जाऊँगा, ऐड करके नहीं दिखाने वाला हूँ, क्योंकि अगर मैं ऐड करके भी आपको कैटेगरी दिखाऊं तो ये वीडियो जो है काफी लंबा हो जाएगा। तो ठीक है, उसके बाद कैटेगरी ऑर्डर की अगर बात करें, तो कैटेगरी ऑर्डर क्या है? कैटेगरी ऑर्डर ये है कि आप कौन से ऐसे कैटेगरी हैं जिसको सबसे पहले रखना चाहते हो। तो कैटेगरी को आप ऑर्डरली भी मेंटेन कर सकते हो, मींस आप अगर ग्रोसरी का जो कैटेगरी है उसको सबसे पहले शो करवाना चाहते हो, तो उसको जस्ट आपको क्या करना है, माउस में जो लेफ्ट वाला बटन है उसको प्रेस करके आपको इसको जो है अप एंड डाउन करना है, अपर सेक्शन में लेके जाना है। आप अगर चाहते हो कि थर्ड वाला जो फेस्टिवल ऑफर है उसको आप सबसे पहले रखना चाहते हो, तो उसको आप माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके उसको आपको इस तरह से अपर सेक्शन में लेके चले जाना है। तो इस तरह से जो है आप कैटेगरी को ऑर्डरली भी मेंटेन कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोडक्ट्स की। तो प्रोडक्ट्स में जैसे हम जाते हैं तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन नजर आते हैं। सबसे पहला है एट्रीब्यूट सेट्स। तो हम बात करते हैं एट्रीब्यूट सेट्स की एट्रीब्यूट क्या है। तो देखिए, एट्रीब्यूट क्या है? एट्रीब्यूट मींस वैल्यूज। कोई भी जो प्रोडक्ट है आपका, उसका एट्रीब्यूट आप क्या रखना चाहते हैं। मान के चलिए आप अगर ग्रोसरी बेच रहे हैं, तो अगर कॉलीफ्लावर बेचते हैं आप, तो कॉलीफ्लावर का एट्रीब्यूट क्या होगा? केजी में आप बेचोगे ना उसको, केजी में बेचोगे, ठीक है, तो प्राइस तो रहेगा ही, प्राइस के साथ साथ उसका तो वैल्यू रहेगा ही, वैल्यू के साथ साथ आपको एट्रीब्यूट सेट करना होगा। आप अगर मोबाइल बेचते हो, आप कोई इलेक्ट्रॉनिक गुड बेचते हो, तो उसमें क्या है, उसका एट्रीब्यूट आपको किस तरह ऐड करने पड़ेंगे? उसका एट्रीब्यूट आपको पीसेस के फॉर्म में ऐड करने पड़ेंगे कि 1, 2, 3, 4, ठीक है, तो पीसेस के फॉर्म में उसके एट्रीब्यूट ऐड करने पड़ेंगे। तो एट्रीब्यूट यही है। एट्रीब्यूट अभी तक मैंने इस वेबसाइट में ऐड नहीं किए हैं, इसी वजह से एट्रीब्यूट यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। बट आप यहाँ पर ऐड एट्रीब्यूट सेट पे जाके प्रोडक्ट वाइज या फिर कैटेगरी वाइज जो है आप बहुत इजीली एट्रीब्यूट्स को जो है सेट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें एट्रीब्यूट्स की, तो यहाँ पर भी आपको कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमने कोई एट्रीब्यूट सेट नहीं कर रखा है, इसी वजह से जो एट्रीब्यूट्स हैं वो यहाँ पे नजर नहीं आ रहे हैं। तो एट्रीब्यूट जैसे ही आप ऊपर वाले सेक्शन पे सेट करोगे प्रोडक्ट वाइज या फिर कैटेगरी वाइज, यहाँ पर वो तमाम एट्रीब्यूट्स शो होंगे, और एट्रीब्यूट को फिर आप प्रोडक्ट वाइज यहाँ पे कस्टमाइज भी कर सकते हो। तो ये दो ऑप्शंस आपको नजर आ जाते हैं। उसके बाद एट्रीब्यूट वैल्यूज आप ऐड कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपके वैल्यूज आपको वैल्यूज बताया केजी के फॉर्म में है, या फिर आप उसको ग्राम के फॉर्म में बेचने वाले हो, या फिर मिली लीटर के फॉर्म में बेचने वाले हो, तो वो प्रोडक्ट वाइज जो है ना वो वेरी करती हैं चीजें। तो प्रोडक्ट वैल्यू जो है वो भी, सॉरी, एट्रीब्यूट वैल्यू जो है वो भी आप यहाँ पर इजिली ऐड कर सकते हो। उसके बाद बात हम करते हैं टैक्स की, कि आप कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, मान के चलिए कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कोई प्रोडक्ट है तो उसमें ऑब्वियसली टैक्स लगेगा ही, तो कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें टैक्स लगाना चाहते हैं, और टैक्स भी जो लगाना चाहते हैं वो किस फॉर्म का टैक्स जो है आप लगाना चाहते हैं, वो भी आप यहाँ पे जीएसटी जो है 0% जीएसटी लगेगा, या फिर 18% जीएसटी लगेगा, 12% जीएसटी लगेगा, जीएसटी 5% लगेगा, तो यहाँ पे परसेंटेज के अनुसार जो है जीएसटी के फॉर्म में आप जो है टैक्स लगा सकते हो। यहाँ पर ऐड टैक्स पे आप प्रेस करके जो है
टैक्स का जो है फॉर्मेट आप ऐड कर सकते हो कि कौन से प्रोडक्ट में किस प्रकार का आप टैक्स रखना चाहते हो। उसके बाद ऐड प्रोडक्ट्स में अगर जाएंगे तो ऐड प्रोडक्ट्स में भी काफी इजीली आप जो है प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हो। आपको इसके लिए सिंपली क्या करना है, यहाँ पे प्रोडक्ट नेम लिख देने हैं, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट का लिखना है, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट लिख देना है, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है, एक यूनिक नंबर होता है आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो आप यहाँ पर लिख दोगे। उसके बाद प्रोडक्ट से रिलेटेड टैक्स लिख दोगे, मींस जो भी प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड जो टैक्स टैक्स होने चाहिए वो टैक्स लिख दोगे, ताकि जो आपके कस्टमर्स होंगे उसको सर्च करने में आसानी हो, ठीक है। अगर मान के चलिए एक्यूरेट अगर नेम कोई कस्टमर नहीं लिखता है, फिर भी वो टैक्स के जो है बेसिस पे जो है वो प्रोडक्ट उनको शो हो जाए, उनके इंटरफेस में नजर आने लगे। उसके बाद यहाँ पे जो एट्रीब्यूट्स में बात कर रहा था, देखिए यहाँ पे टैक्स कितना परसेंट लगेगा वो आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो इस प्रोडक्ट में, ठीक है। इंडिकेटर आप ऐड कर सकते हो, वेज है, नॉन वेज है, मेड इन चाइना है, मेड इन इंडिया है, वो भी आप ऐड कर सकते हो। टोटल अलाउड क्वांटिटी ऐड कर सकते हो कि पर ऑर्डर आप कितना क्वांटिटी में जो है किस प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हो। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी आप ऐड कर सकते हो, क्वांटिटी स्टेप साइज ऐड कर सकते हो। उसके बाद वारंटी पीरियड, गारंटी पीरियड क्या आप रखोगे वो ऐड कर सकते हो। उसके बाद इस प्रोडक्ट को किस आप कैटेगरी में ऐड करना चाहते हो, उस कैटेगरी में यहाँ पे आपको बस टिक कर देने हैं। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन में आपको एक ही प्रोडक्ट का ऐड करने के सेक्शन में आपको तमाम चीजें मिल जा रही हैं, आपको कहीं और नहीं जाना होगा। उसके बाद डिलीवरेबल जिप कोड्स, यहाँ पर जिप कोड भी आप ऐड कर सकते हो, सर्च कर सकते हो जिप कोड्स। उसके बाद टैक्स इसमें रखोगे या नहीं, COD अलाउ है या नहीं, रिटर्न नंबर है या नहीं, कैंसिलेबल है या नहीं, अटैचमेंट रिक्वायर्ड है या नहीं, वो तमाम चीज़ें आप यहाँ पर जो है सेलेक्ट करके ही बस ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। उसके बाद प्रोडक्ट का जो इमेज है, मेन इमेज, वो आप यहाँ पे डाउनलोड करोगे, अदर इमेजेस भी डाउनलोड कर सकते हो, ताकि आपका जो कस्टमर है वो उस प्रोडक्ट को अच्छे से देख ले और बिफोर ऑर्डरिंग दैट प्रोडक्ट। उसके बाद अगर प्रोडक्ट से रिलेटेड छोटा बहुत शॉर्ट वीडियो, सेल्फ होस्टेड या फिर यूट्यूब वीडियो या फिर वाइमेओ वीडियो अगर आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो, ताकि आपके कस्टमर को इजी हो उस प्रोडक्ट को खरीदने का डिसीजन लेने में। उसके बाद यहाँ पर टाइप ऑफ प्रोडक्ट ऐड करोगे, सिंपल प्रोडक्ट है, वेरिएबल प्रोडक्ट है, उसका टाइप ऐड करते हो। उसके बाद यहाँ पर आपका जो है डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, जहाँ पर आपका प्रोडक्ट से रिलेटेड तमाम चीज़ें यहाँ पर लिखी होंगी, प्रोडक्ट से रिलेटेड, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिख दूंगा। उसके बाद ऐड प्रोडक्ट पे आपको जस्ट प्रेस करना है, जैसे आप प्रेस करते हो आपका वो प्रोडक्ट बखूबी ऐड हो जाता है। उसके बाद हम अगर बल्क अपलोड प्रोडक्ट की बात करें, तो उसमें भी बहुत इजीली आप प्रोडक्ट को बल्क वाइज ऐड कर सकते हो। उसके लिए क्या करना है आपको, उसके लिए जस्ट आपको यहाँ पे टाइप करना है, आप अपलोड करना चाहते हो या अपडेट करना चाहते हो, ठीक है। यहाँ पर अपलोड करना चाहते हो, अपलोड पे प्रेस करोगे। उसके बाद वो फाइल यहाँ से आपको जो है सिलेक्ट करने हैं, जिस फाइल को आप जो है यहाँ पे बल्क वाइज प्रोडक्ट्स के फॉर्म में ऐड करना चाहते हो, उस फाइल को जो है यहाँ पे सिलेक्ट करते ही सबमिट पे प्रेस कर दोगे। सबमिट पे प्रेस करते ही प्रोडक्ट जो है आपका बल्क वाइज यहाँ पे अपडेट हो जाएगा अगर अपडेट करते हो, या फिर अपलोड हो जाएगा अगर अपलोड आप करते हो। उसके बाद अगर आप बल्क वाइज अपडेट कर रहे हो, अपलोड कर रहे हो, तो यहाँ पे उसके इंस्ट्रक्शंस एंड सैंपल फाइल आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, ताकि आपको आसानी हो कि किस टाइप के फाइल यहाँ पे आपको ऐड करने हैं, ताकि आपका जो प्रोडक्ट्स हैं वो बल्क वाइज बखूबी ऐड हो जाए। उसके बाद बात करते हैं मैनेज प्रोडक्ट्स की। तो मैनेज प्रोडक्ट्स पे जैसे ही आप प्रेस करते हो, प्रेस करने के बाद कुछ इस तरह का जो है इंटरफेस आपके सामने नजर आता है। यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट्स आपने ऐड कर रखे हैं वो तमाम प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे नजर आएंगे, फिर चाहे वो किसी भी कैटेगरी में आपने ऐड कर रखे हो, ठीक है। यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट पे जाके आप ऐड भी कर सकते हो प्रोडक्ट को, या फिर अगर आप कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट को सर्च करना चाहते हो यहाँ पे, तो कैटेगरी वाइज यहाँ पे तमाम कैटेगरीज दिए हुए हैं, कैटेगरी वाइज भी उन प्रोडक्ट्स को आप सर्च कर सकते हो। उसके बाद जो प्रोडक्ट के नाम है वो आपको नाम यहाँ पे नजर आ जाएंगे, उस प्रोडक्ट को कितने रेटिंग्स अब तक मिल चुके हैं वो रेटिंग्स अब तक यहाँ पे नजर आ जाएंगे। लेकिन चूंकि ये जो वेबसाइट है हमारा वो नया है,
है, तो यहाँ पर कोई भी रेटिंग आपको नहीं शो हो रहा है, बट यहाँ पे जैसे ही ये प्रोडक्ट, जैसे ही ये वेबसाइट पुराना होता है, क्लाइंट्स बढ़ते हैं, इसके कस्टमर्स बढ़ते हैं, यहाँ पे रेटिंग वगैरह भी आपको नजर आने लग जाएंगे। उसके बाद जो एक्शन है वो एक्शन भी यहाँ पे ले सकते हो। मान के चलिए अगर आपको ये प्रोडक्ट देखना है तो वो प्रोडक्ट किस प्रकार से वेबसाइट पर नजर आता है, इस पे व्यू पे आप प्रेस करके देख सकते हो। यहाँ पर उस प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको कुछ एडिटिंग करनी है, एडिट कर सकते हो। यहाँ पर ऑन एंड ऑफ का ऑप्शन मिलता है, ऑन एंड ऑफ अगर मान के चलिए इस प्रोडक्ट को डीएक्टिवेट करना है, मीन्स आपको ज्यादा अब इसको नहीं बेचना है, वेबसाइट में नहीं रखना है, तो डीएक्टिवेट इस प्रोडक्ट कर सकते हो। इस प्रोडक्ट को डिलीट करना चाहते हो डिलीट कर सकते हो, या फिर यहाँ पर जो है व्यू रेटिंग्स देखना चाहते हो, रेटिंग्स अगर देखना चाहते हो इस प्रोडक्ट को, तो रेटिंग भी इस पर प्रेस करके देख सकते हो। या फिर जो इस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर्स रहे हैं आपके कस्टमर्स के, वो इस पर प्रेस करके, जो क्वेश्चन मार्क है इस पर प्रेस करके आप देख सकते हो कि क्या क्या क्वेश्चन रेज किए हैं आपके कस्टमर्स ने रिलेटिंग टू दिस प्रोडक्ट। तो ये आप जो है यहाँ से जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन तमाम प्रोडक्ट्स को मैनेज कर सकते हो, उन तमाम प्रोडक्ट्स को जो है एडिट कर सकते हो, और एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स को यहाँ पे जो है आप ऐड भी कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं प्रोडक्ट्स फैक्स की। तो प्रोडक्ट फैक्स में आप जैसे ही प्रेस करते हो तो यहाँ पे वो तमाम जो है ना क्वेश्चन आंसर्स आपको नजर आते हैं। मान के चलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है, जैसे आपका कोई कस्टमर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन रेज करता है, यहाँ पे वो क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आने के बाद उसका आंसर अगर कोई देता है तो आंसर भी आ जाएगा। आप अगर खुद देना चाहते हो तो आप खुद भी आंसर कर सकते हो, आंसर बाय नेम, उसके बाद नेम के साथ भी आप आंसर कर सकते हो। उसके बाद यूजर नेम आप यहाँ पर देख सकते हो उस बंदे का जिन्होंने वो प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन किया है। उसके बाद यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो, ऐड प्रोडक्ट फैक्स भी ऐड कर सकते हो, मीन्स क्वेश्चन आंसर्स को यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, ताकि जो आपका प्रोडक्ट, अब जो आपका कस्टमर है वो किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स वो वहाँ पे देख सके और उस प्रोडक्ट को परचेज करने में उन्हें दिक्कत ना हो। उसके बाद बात हम करते हैं प्रोडक्ट्स ऑर्डर की। तो यहाँ पर ऑर्डर ली, जिस तरह से मैंने आपको कैटेगरी के सेक्शन में बताया था कि ऑर्डर ली आप जो है कैटेगरीज को भी मेंटेन कर सकते हो, उसी तरह से यहाँ पे प्रोडक्ट्स को भी ऑर्डर ली मेंटेन कर सकते हो। जैसा आपको क्या करना है, जो माउस का राइट लेफ्ट हैंड साइड का बटन है उसको प्रेस करते हुए आपको इसको स्क्रॉल अप एंड डाउन करना है, और उस तरह से आप जो है प्रोडक्ट को ऑर्डरली मेंटेन कर सकते हो। उसके बाद सेव पे प्रेस करते ही जो है वो प्रोडक्ट वहां पर ऑर्डरली मेंटेन हो जाता है। कैटेगरी वाइज भी आप अगर करना चाहते हो प्रोडक्ट को क्या कहते हैं मेंटेन ऑर्डरली, तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी आप कर सकते हो। उसके बाद पॉइंट ऑफ सेल की बात करते हैं। तो पॉइंट ऑफ सेल पे जैसे हम प्रेस करते हैं, पॉइंट ऑफ सेल में कुछ इस तरह का जो है इंटरफेस आपको नजर आता है, जहाँ पे तमाम प्रोडक्ट्स आपको नजर आएंगे सिलेक्ट कैटेगरी वाइज। जो प्रोडक्ट्स आप यहाँ पर सिलेक्ट करते हो कैटेगरी वाइज, अगर आप प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हो तो वही प्रोडक्ट्स आपको नजर आएंगे जो कैटेगरी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर रखे होंगे, या फिर अगर प्रोडक्ट को आप सर्च कर सकते हो प्रोडक्ट के नाम से, प्रोडक्ट को यहाँ पर सर्च कर सकते हो, और जितने भी ये जो आपके जितने भी एडिड प्रोडक्ट्स हैं वेबसाइट में, उन तमाम प्रोडक्ट्स में से कितने प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कार्ट में एडिड हैं, वो आपको यहाँ पर नंबर ऑफ आइटम्स इन कार्ट में आपको शो होने लगेंगे। उसके बाद डिलीवरी टाइप, वो तमाम जो एडेड हैं या फिर जो क्या कहते हैं प्लेस किए जा चुके हैं ऑर्डर के फॉर्म में, वो लोकल पिकअप में है या फिर डोर स्टेप डिलीवरी है, वो भी आपको यहाँ पे नजर आने वाला है कि डोर स्टेप डिलीवरी है या फिर लोकल पिकअप है। उसके बाद पेमेंट मेथड क्या रहा, पेमेंट मेथड क्या कस्टमर का रहा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड, ये पेमेंट मेथड भी आपको यहाँ पे नजर आने वाला है, कैश ऑन डिलीवरी है, बार कोड से उन्होंने पे किया, नेट बैंकिंग के थ्रू पे किया है, ऑनलाइन पेमेंट किया, या अदर उसका जो है मेथड रहा, तो ये तमाम चीजें आपको पॉइंट ऑफ सेल में मिल जाता है। उसके बाद बात हम करते हैं मीडिया की। तो मीडिया में यहाँ पे सिलेक्ट फाइल करते ही आप किसी भी प्रकार का जो है इमेज या फिर फाइल यहाँ पे अपलोड कर सकते हो रिलेटिंग टू योर वेबसाइट। तो मीडिया में हमने कुछ ये फाइल्स जो है ऐड कर रखे हैं, ये फुटेज जो है ऐड कर रखे हैं, तो ये आपको यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, ऑल मीडिया आइटम्स, तो मीडिया में हमने जितने प्रकार के आइटम्स यहाँ पे अपलोड कर रखे हैं वो तमाम ये अपडेट कर रखे हैं, वो तमाम आप जो है कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर जो है टाइप वाइज भी आप यहाँ पे जो है ऐड कर सकते हो या फिर आप देख सकते हो। तो अपलोड कर सकते हो किसी भी तरह का फाइल रिलेटिंग टू योर वेबसाइट। ठीक है, उसके बाद बात हम करते हैं स्लाइडर्स की। तो स्लाइडर्स मैं आपको बता दूं, स्लाइडर कुछ इस प्रकार का होता है। देखिए, जैसे कि आप मेड इन फूड के वेबसाइट में देख सकते हो, ये चीज़ें जो होती हैं ये हमारा स्लाइडर कहलाता है। तो इस प्रकार का स्लाइडर ऐड करने के लिए आपको क्या करना होगा और किस प्रकार से आप स्लाइडर चेंज भी कर सकते हो, ऐड भी कर सकते हो, इस सेक्शन में हमें यही बताऊंगा आपको।
तो स्लाइडर पे प्रेस करते ही देखिए, जैसे कि मैंने स्लाइडर पे प्रेस किया, प्रेस करते ही वो तमाम स्लाइडर्स आपको नजर आएंगे जो आपने अपने वेबसाइट में ऐड कर रखे होंगे या ऐड करवाए होंगे थ्रू द सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी। तो ये तमाम स्लाइडर जो मैंने आपको दिखाया, ये स्लाइडर आपको जो है, ये तमाम स्लाइड्स आपको यहाँ पे नजर आएंगे। ये देखिए स्लाइड्स, इसको आप यहाँ से एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये तमाम स्लाइड्स को अगर डाउनलोड करना चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो, और अगर आप शॉर्ट वाइज ये तमाम स्लाइड्स को देखना चाहते हो देख सकते हो। उसके बाद ये वाला जो रिफ्रेश का ऑप्शन है, रिफ्रेश भी कर सकते हो, ऐड स्लाइडर पे प्रेस करके स्लाइडर का जो है, स्लाइडर को ऐड भी कर सकते हो, स्लाइड्स को ऐड भी कर सकते हो। तो स्लाइड्स को किस तरह से ऐड करना है, किस तरह से डिलीट करना है, किस तरह से एडिट करने हैं, वो तमाम चीजें स्लाइडर्स के ऑप्शन से आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ऑफर्स की। तो ऑफर्स में आप जैसे ही प्रेस करते हो, यहाँ पर ऑफर आपको नजर आने लगता है। मीन्स आप जिस भी कैटेगरी वाइज या फिर आप अगर प्रोडक्ट वाइज ऑफर रखते हो या फिर ऑर्डर से रिलेटेड कोई पोस्टर आप अपलोड करते हो इन योर वेबसाइट्स डैशबोर्ड, तो यहाँ पर जो है वो ऑफर होम स्क्रीन पर आप अगर कोई पोस्टर अपडेट अपलोड करते हो ऑफर से रिलेटेड, तो वो पोस्टर्स भी आपको यहाँ पे नजर आते हैं, और उन पोस्टर्स को आप डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं थ्रू प्रेसिंग ऑन दिस आइकन। ओके, आप एडिट कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, सॉर्ट करके भी वो तमाम पोस्टर्स देख सकते हैं। उसके बाद ऐड ऑफर पे प्रेस करके इसी प्रकार का जो है आप पोस्टर या फिर प्रोडक्ट वाइज जो है कोई ऑफर आप अगर अपनी वेबसाइट में ऐड करना चाहते हो तो वो प्रोडक्ट वाइज भी ऐड कर सकते हो या कैटेगरी वाइज भी ऑफर आप ऐड कर सकते हो, ताकि आपके जो कस्टमर्स हैं वो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में अगर उसको ऑफर चाहिए या फिर थोड़ा बहुत डिस्काउंट चाहिए तो वो डिस्काउंट उसको मिलने में आसानी हो और आपसे ज़्यादा या आपकी वेबसाइट से ज़्यादा वो कनेक्ट कर पाए और स्मूथ रहे उनके लिए प्रोडक्ट परचेज करना। तो इसके बाद हम उसके नीचे वाले सेक्शन में आते हैं, सपोर्ट टिकट्स। तो सपोर्ट टिकट्स पे जैसे प्रेस करते हैं, वहाँ पे टिकट टाइप दिखता है और टिकट दिखता है, तो टिकट टाइप्स हम पहले प्रेस कर देते हैं। तो टिकट टाइप्स प्रेस करते ही वो तमाम टिकट्स आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगे। देखिए टिकट्स जनरेट क्यों किया जाता है, ताकि आपके कस्टमर को, आपके यूजर्स को अगर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की कोई कंप्लेन है, तो वो कंप्लेन बहुत सेफ तरीके से कर सके और हम उसको एक शेड्यूल टाइम दें टू सॉर्ट देयर प्रॉब्लम्स आउट। तो उनके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करने के लिए हम टिकट्स जनरेट करते हैं। तो टिकट्स अभी तक हमने कोई जनरेट नहीं किया, इस वजह से यहाँ पे नो मैचिंग रिकॉर्ड्स फाउंड दिखा रहा है। टिकट जनरेट करने के लिए आपको यहाँ पे प्रेस करना होगा, यहाँ पे प्रेस करते ही बस टिकट टाइप का टाइटल डालना है, डालने के बाद आपको सबमिट कर देना, टिकट्स आपका जनरेट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं टिकट्स की। तो आपने जितने भी टिकट्स वहाँ पे जनरेट किए हुए होंगे ऊपर वाले सेक्शन में, वो तमाम टिकट्स यहाँ पे आपको नजर आ जाएंगे। उसको डाउनलोड करना चाहिए, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, एसक्यूएल के फॉर्म में, टेक्स के फॉर्म में, या फिर एमएस एक्सेल के फॉर्म में आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे जो है टिकट्स को देख सकते हैं सॉर्ट वाइज करके, मतलब सॉर्ट करके आप टिकट को देख सकते हैं, टिकट टाइप के हिसाब से या फिर यूजर आईडी, यूजर नेम के हिसाब से। उसके बाद ये वाला रिफ्रेश का ऑप्शन है, रिफ्रेश पे प्रेस करके आप जो है टिकट्स तमाम देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोमो कोड की। तो यहाँ पे नो मैचिंग रिकॉर्ड्स फाउंड दिखा रहा है, क्योंकि अभी तक कोई भी प्रोमो कोड हमने जनरेट नहीं किया अपने कस्टमर्स के लिए, क्योंकि ये नया वेबसाइट है, नई कंपनी है, इसी वजह से। तो प्रोमो कोड के लिए यहाँ पे आपको सिंपल ऐड प्रोमो कोड पे प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद जो इंटरफेस आपके सामने आएगा वो कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रोमो कोड बस डालना है, यहाँ पे मैसेज डालना है, यहाँ पे डेट, स्टार्ट डेट, एंड डेट, उसके बाद नंबर ऑफ यूजर्स, कितने यूजर्स को आप देना चाहते हो, मैक्सिमम ऑर्डर अमाउंट, मैक्सिमम ऑर्डर कितना होना चाहिए जिस पे आप ये प्रोमो कोड अप्लाई करवाना चाहते हो, अप्लाई का ऑप्शन यूजर्स को देना चाहते हो। उसके बाद डिस्काउंट कितना रहेगा, डिस्काउंट टाइप क्या रहेगा, परसेंटेज में या अमाउंट में, वो आप डाल दोगे। उसके बाद मैक्सिमम डिस्काउंट अमाउंट यहाँ पे डालोगे। उसके बाद रिपीट यूसेज का ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे अलाउड करोगे या नॉट अलाउड करोगे वो आप पे डिपेंड करता है, बिल्कुल आपकी चॉइस है। उसके बाद यहाँ पे मेन इमेज जो होगा आपका प्रोमो कोड का, वहाँ पे आप जो है मेन इमेज अपलोड कर सकते हो, यहाँ पे स्टेटस यहाँ पे देख सकते हो, एक्टिव या डीएक्टिवेट आप कर सकते हो यहाँ से। उसके बाद लिस्ट प्रोमो कोड को ऑन एंड ऑफ आप यहां से कर सकते हो, कैशबैक अगर दे रहे हो तो कैशबैक भी आप जो है यहां पे ऑन एंड ऑफ का ऑप्शन है यहां पे कर सकते हो। उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, ऐड प्रोमो कोड पे प्रेस करना है। ऐड प्रोमो कोड पे जैसे आप प्रेस करते हो आपका प्रोमो कोड हो जाता है जनरेट। आप आपके कस्टमर्स, जितने कस्टमर्स को आप चाहते हैं, नंबर ऑफ यूजर्स को आप ये प्रोमो कोड का फायदा देना, उतने कस्टमर्स जो है आपके इस प्रोमो कोड के जरिए फायदा ले सकता है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे ये आ रहा है क्योंकि हमने कोई प्रोमो कोड ऐड ही नहीं किया है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे हम आ जाते हैं प्रोमो कोड के बाद यहाँ फीचर्ड सेक्शन पे। फीचर्ड सेक्शन में आपको मैनेज सेक्शन आ रहा है और सेक्शन ऑर्डर आ रहा है, तो मैनेज सेक्शन पे हम प्रेस करते हैं।
तो ये कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा, जैसे आप माइनस सेक्शन पे प्रेस करते हो, माइनस सेक्शन पे प्रेस करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको बस क्या करना है, जो आप खास सेक्शंस ऐड करते हो, जैसे कि मैंने बोला था डायनेमिक सेक्शंस आप ऐड कर सकते हो, जो खास सेक्शंस आप ऐड करते हो उसके लिए आपको ऐड कैसे करना है, बस यहाँ पे सेक्शन का टाइटल डालना है, यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डालना है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डालने के बाद यहाँ पे कैटेगरी डाल देना है, कौन से कैटेगरी में आप उस सेक्शन को रखना चाहते हो, उसके बाद स्टाइल टाइप डाल देना है, डिफॉल्ट रखोगे या फिर स्टाइल 1 2 3 4 में आप ऐड करना चाहोगे। उसके बाद जो प्रोडक्ट का टाइप है वो प्रोडक्ट का टाइप यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली ऐड फीचर्ड सेक्शन पे प्रेस करना है। जैसे आप सेक्शन पे प्रेस करते हो, यहाँ पे जितने भी फीचर्ड सेक्शन आपने एडेड रखे होंगे वो तमाम फीचर्ड सेक्शन आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शंस ऑर्डर की। तो जैसे ही आप यहाँ पर सेक्शंस ऑर्डर पे प्रेस करोगे, यहाँ पे आप जो सेक्शंस हैं, जो खास एक्सक्लूसिव सेक्शंस हैं, उसके ऑर्डर को आप चेंज कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। मींस अगर आप फार्मा को ऊपर चाहते हो, जैसे कि मैंने ऊपर भी बताया, तो आप नीचे एंड ऊपर, अपर एंड डाउन सेक्शन में आप जो है इसको, इन तमाम सेक्शन को डाउन साइड जो है ये कर सकते हो, स्क्रॉल करके ऐड कर सकते हो। उसके बाद सेव में आपको जस्ट प्रेस कर देना है। उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद कस्टमर का ऑप्शन यहाँ पे दिखता है। कस्टमर का ऑप्शन में सबसे पहले व्यू कस्टमर, तो व्यू कस्टमर पे हम प्रेस करते हैं। तो व्यू कस्टमर पे प्रेस करते ही ये कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने नजर आएगा। जितने भी आपके कस्टमर्स होंगे उनका यहाँ पे डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा, नाम, ईमेल उसका, उसका मोबाइल नंबर, उसके बाद एरिया, स्ट्रीट वगैरह, बैलेंस वगैरह, कितना बैलेंस उसके वॉलेट में है नहीं है वो सब कुछ दिख जाएगा। और वो कस्टमर एक्टिव है या डीएक्टिव है वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आप अगर चाहते हो अपने कस्टमर्स को एक्सेल फाइल, एमएस एक्सेल फाइल में आप कन्वर्ट करके जो है उसको रखना चाहते हो डॉक्यूमेंट के तौर पे, तो आप उसको यहाँ से कर सकते हो। या फिर आप अगर चाहते हो कि ऑर्डरली वे में इसको देखना चाहते हो कस्टमर्स को, तो ऑर्डरली वे में उसको सॉर्ट करके देख सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं कस्टमर्स के सेक्शन में और एड्रेसेस की बात करते हैं। तो यहाँ पे एड्रेसेस वगैरह कस्टमर्स के देख सकते हो, ट्रांजेक्शन वगैरह देख सकते हो कस्टमर्स के, ठीक है, वॉलेट ट्रांजेक्शन वगैरह आप कस्टमर्स के यहाँ देख सकते हो। मैं उन सबों को ओपन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत सिंपल जो है तरीका है, ये बहुत सिंपल है, आप आराम से जो है इसको कस्टमाइज कर सकते हो अगर आप चाहते हो, या फिर बहुत आराम से आप देख भी सकते हो। उसके बाद रिटर्न रिक्वेस्ट की अगर बात करें, तो रिटर्न रिक्वेस्ट जो है ये भी अगर कोई आपका क्लाइंट, कोई आपका कस्टमर किसी भी प्रकार का अपना लिया हुआ प्रोडक्ट अगर वापस करता है, रिटर्न के लिए एप्लीकेशन डालता है, तो वहाँ पे रिटर्न रिक्वेस्ट में आपको दिख जाता है। चूंकि यहाँ पे अभी कोई रिटर्न रिक्वेस्ट जो है नहीं आया हुआ है, इसलिए जो है नो मैचिंग रिकॉर्ड्स फाउंड यहाँ पे दिखा रहा है। लेकिन आपके कस्टमर अगर कोई रिटर्न के लिए कुछ रिक्वेस्ट करता है, तो यहाँ पे आपको उस कस्टमर का डिटेल वहाँ पे, यहाँ पे आपको शो होने लगेगा। उसके बाद डिलीवरी बॉयज की अगर बात करो, तो यहाँ से आप डिलीवरी बॉयज को मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले वाला जो ऑप्शन है मैनेज डिलीवरी बॉयज, उस पर प्रेस करते ही आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। एक्चुअली यहाँ पर अभी तक कोई हमने डिलीवरी बॉय ऐड नहीं किया, अभी जस्ट ये वेबसाइट बना ही है, तो इसी वजह से, नया होने की वजह से, आप डिलीवरी बॉय बॉयज जो ऐड करेंगे उसको यहाँ पर आप मैनेज कर सकते हो। ऐड डिलीवरी बॉय पे प्रेस करते ही आप जो है डिलीवरी बॉय का नाम, नंबर, ईमेल, पासवर्ड, बोनस पॉइंट क्या देंगे आप उसको, बोनस किस प्रकार का रहेगा उसका डिलीवरी बॉय का, वो आप सब यहाँ पे ऐड करके जो है डिलीवरी बॉय को ऐड कर सकते हो। ऐड करने के बाद यहाँ पर वो जो डिलीवरी बॉयज का जो ये होगा डिटेल होगा, आपको यहाँ पे उसका नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर, एड्रेस, बोनस टाइप, बोनस बैलेंस वगैरह यहाँ पे शो होने लगेगा। उसके बाद फंड ट्रांसफर का भी ऑप्शन है डिलीवरी बॉयज के सेक्शन में, सेकंड वाला फंड ट्रांसफर का भी ऑप्शन है। अगर आप फंड ट्रांसफर करना चाहते हो या फिर फंड ट्रांसफर कितना हो चुका है अब तक वो भी आपको दिखने वाला है। उसके बाद मैनेज कैश कलेक्शन, इसमें अगर हम प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आपके जितने भी डिलीवरी बॉयज हैं उन्होंने कितने जो है पैसे अब तक कलेक्ट कर चुके हैं वो आपको इस सेक्शन में सेलेक्ट डिलीवरी बॉय सेलेक्ट करके जो है यहाँ पर आपको उसका कितना अब तक कलेक्ट कर चुका है, यूजर नेम दिखेगा, आईडी दिखेगा, उसके बाद यहाँ पे उसका कैश कितना कलेक्ट कर चुका है वो आपको शो होगा। उसके लिए यहाँ पर आपको डिटेल वगैरह कुछ डालनी है। डिटेल डालने के बाद अमाउंट टू बी कलेक्ट, कितने अमाउंट कलेक्ट करने हैं वो आपको डालने हैं। उसके बाद यहाँ पे एक आपका जो है डेट रहेगा, डेट के बाद यहाँ पर मैसेज रहेगा कि आपको कितने अमाउंट कहाँ से किस से कलेक्ट करने हैं। उसके बाद कलेक्ट पे प्रेस करते ही यहाँ पर वो ऑप्शन आ जाएगा, डिलीवरी बॉय का नाम आ जाएगा, आईडी आ जाएगा। उसके बाद जैसे वो कैश कलेक्ट करता है यहाँ पे वो कैश शो होने लगेगा। उसके बाद हम अगर बात करें नीचे, उसके नीचे वाले ऑप्शन की, तो पेमेंट रिक्वेस्ट का ऑप्शन है। अगर कोई भी आपका यूज़र पेमेंट के लिए यहाँ पे रिक्वेस्ट करता है तो वो आपको यहाँ पे शो होने लगेगा। सेंड नोटिफिकेशन की अगर बात करते हैं, तो उसमें प्रेस करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको नजर आएगा, जहाँ पर आप नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हो। यहाँ पे बस टाइप आपको सेट करना है, कैटेगरी, प्रोडक्ट,
जो भी टाइप आप सेलेक्ट करते हो, यहाँ पे टाइप आपको सेलेक्ट करना है। टाइप सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे टाइटल डालोगे, मैसेज डालोगे, उसके बाद सेंड कर दोगे। सेंड करने के बाद जितने भी आपके यूजर्स हैं, तमाम यूजर्स को ये नोटिफिकेशन चले जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप इन नोटिफिकेशंस को जो है डाउनलोड भी कर सकते हो टेक्स्ट के फॉर्म में, एम एक्स एक्सेल के फॉर्म में, एम एक्स एक्सेल डॉक्यूमेंट बनाकर वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम अगर सिस्टम की बात करें तो सिस्टम में कुछ यहाँ पर स्टोर सेटिंग वगैरह, ईमेल सेटिंग वगैरह, पेमेंट मेथड्स वगैरह, टाइम स्लॉट्स वगैरह, नोटिफिकेशन सेटिंग, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, अबाउट अस, ये सब बहुत सिंपल चीज़ें हैं। आप आराम से इन चीज़ों को कस्टमाइज कर सकते हो। ये सब आपका काम है, ये सब जो है क्या कहते हैं, जो डेवलपर है उनका काम है, जो एडमिनिस्ट्रेटर है उनका काम है, ठीक है। तो इसमें आप आराम से जो है ये कर सकते हो, चूंकि आप ही एडमिनिस्ट्रेटर हो, तो आप आराम से जो है ना इन चीज़ों को कस्टमाइज कर सकते हो। बहुत आसान है, इन चीज़ों को डिटेल वे में बताने की कोई ज़रूरत है नहीं। उसके बाद वेब सेटिंग की अगर बात करें तो वेब सेटिंग में भी कुछ जनरल सेटिंग्स हैं जो आपके आपको करने हैं, जैसे आपके लोगो, आपका लोगो हो गया, आपका क्या कहते हैं, फुटर का या हेडर का पार्ट का जो आपका नेम रहेगा, लोगो से नीचे जो टाइटल रहेगा, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर आती हैं। फिर लोगों का इमेज हो गया, ये तमाम चीज़ें जो है जनरल सेटिंग में आता है। उसके बाद थीम्स की बात करें तो थीम्स यहाँ से आप देख सकते हो कि कौन से थीम में आपका जो है ये वेबसाइट बना हुआ है। लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेजेस आप ऐड कर सकते हो, यहाँ से लैंग्वेजेस ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद लोकेशन की अगर बात करें तो लोकेशन भी आप यहाँ पर ऐड भी कर सकते हो, किन किन लोकेशन में आप अपना वेबसाइट रन करवाना चाहते हो, किन किन लोकेशन में नहीं रन करवाना चाहते हो, आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। जिप कोड्स वगैरह की बात करें तो जिप कोड्स का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, सिटी का ऑप्शन है, एरिया, कंट्रीज। उसके बाद बल्क अपलोड, आप अगर बल्क अपलोड भी करना चाहें, मतलब अगर आप कंट्री वाइज कुछ कोई प्रोडक्ट अपडेट करते हैं या प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ अगर आप कंट्री वाइज अपडेट करते हैं, तो यहाँ पे बल्क अपलोड का भी ऑप्शन है। एक बार प्रेस करके आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा, जैसे आप प्रेस करते हो बल्क अपलोड में, इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा। यहाँ पर क्या करना, सेलेक्ट बस अपलोड या अपडेट करना है आपको, यहाँ पे वो सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद आप जिप कोड या सिटीज वगैरह डाल सकते हो। डालने के बाद यहाँ पे फाइल चूज करना, सबमिट पे प्रेस कर देना। सबमिट पे प्रेस करते ही वो जिन जो सिटीज या जो कंट्री आप यहाँ पे डाले होंगे, वो कंट्रीज में वो तमाम प्रोडक्ट्स अपडेट हो चुके होंगे, ठीक है। तो ये तमाम चीजें, ये तमाम सहूलियतें, ये तमाम फीचर्स आपको नजर आती हैं। उसके बाद रिपोर्ट्स की अगर बात करें तो सेल्स रिपोर्ट आप जो है अपना सेल्स रिपोर्ट देख सकते हो, मंथली वाइज या वीक वाइज भी। आप अगर सेल्स रिपोर्ट देखना चाहते हो तो बड़े आसान तरीकों से जो है यहाँ पे सेल्स रिपोर्ट देख सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे, थोड़ा सा टाइम कंज्यूम यहाँ पे ज्यादा हो रहा है क्योंकि नेट आज पता नहीं क्यों स्लो है। इंटरफेस कुछ इस तरह का आएगा, जैसे ही आप जो है सेल्स रिपोर्ट पे प्रेस करते हो, इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा। सेल्स रिपोर्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे यूजर नेम दिखेगा, मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह सब कुछ आपका, आपके जो यूजर्स हैं उनके यहाँ पे नजर आएंगे। आपको अगर वो किस तरह से ऑपरेट करता है वो चीज़ अगर आप देखना चाहते हो उस यूजर को, गए पर्टिकुलर यूजर को, तो आप यहाँ से देख सकते हो, डिलीट कर सकते हो उसको, या फिर उसको अगर इनवॉइस कोई भेज सकते हो, या फिर उसका इनवॉइस आप यहाँ पर जो जनरेट हुआ इनवॉइस है वो आप देख सकते हो। यहाँ पे आपका स्टेटस दिखाएगा कि वो जो कस्टमर रहा, वो कस्टमर को वो प्रोडक्ट डिलीवर हो गया या नहीं हुआ, या शिपिंग सिर्फ हुई है या फिर रिसीव हो चुका है या नहीं, ये तमाम चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। अगेन ये डेट एंड टाइम के हिसाब से, टाइम रेंज के हिसाब से आप जो है सेलेक्ट कर सकते हो। मंथली वाइज सेल्स रिपोर्ट देख सकते हो। उसके बाद अगर आपको फिल्टर आउट करना हो कि कितने प्रोडक्ट्स जो है वेटिंग लिस्ट में है, कितने प्रोडक्ट रिसीव हो चुके हैं, प्रोसेस में कितने हैं, शिपिंग में कितने हैं, ठीक है, डिलीवरी कितनी हो चुकी है, से कैंसिल कितने हैं हो चुके हुए हैं, या फिर रिटर्न कितने हुए हैं, उस हिसाब से भी आप जो है यहाँ पे अपना सेल्स रिपोर्ट देख सकते हो बढ़िया आराम से। बाकी ये जो चीज़ें कुछ रह गई, ये जो चीज़ें फैक्स मैंने आपको ऊपर बताया था, फैक्स जो आप क्वेश्चन आंसर पुट करते हैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो इसलिए पुट करते हैं ताकि आपके कस्टमर्स कोई भी प्रोडक्ट खरीदता है तो उससे रिलेटेड अगर कुछ कोई क्वेश्चन उसके दिमाग में रहता है तो वो क्वेश्चन का जो आंसर है वो उसको नीचे मिल जाता है थ्रू दिस ऑप्शन। और आपको फाइल अपलोड करने होते हैं फैक्स के लिए, जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया। उसके बाद सिस्टम यूजर ये भी डेवलपर का काम है, ठीक है। तो ये तमाम चीजें जो है आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो ये तमाम चीजें
थी मैनेज से रिलेटेड, कि आप किस तरह से एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को मैनेज कर सकते हो, उसका एडमिन पैनल को मैनेज कर सकते हो। तो मैनेज करने का जो तरीका है वो बहुत बहुत ही आसान है, बस आपको एक दो बार प्रैक्टिस करनी है। हमारे पास भी जब भी कोई कस्टमर को हम अपना वेबसाइट बना के देते हैं तो उसको भी एक ट्यूटोरियल के फॉर्म में एक वीडियो देते हैं, ताकि वो भी अपने एडमिन पैनल के थ्रू अपनी वेबसाइट को मैनेज कर सके। क्योंकि फिर अगर मैनेज नहीं करना आएगा तो फिर छोटी छोटी बातों के लिए जो है कस्टमर को, सॉरी कंपनी को, वो कॉल करते रहेगा सर्विसेज के लिए, तो ये भी बात सही नहीं है। और मैनेज करना बहुत आसान है। इसी तरह का अगर आप भी अपने प्लेटफॉर्म के लिए, अपने बिजनेसेस के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अगर इसी तरह का एप्लीकेशन एंड वेबसाइट बनवाना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। एज यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन द कांटेक्ट नंबर हैज बीन गिवन। सो आप इस कांटेक्ट नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे सर्विसेज ले सकते हो। हम इसी टाइप का वेबसाइट, प्रोफेशनल वेबसाइट आपको बना के देंगे।